तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास ऐसा था कि मैंने एपिसोड्स एपिसोड्स देखे हैं, ये वाला सीज़न देखा, मैंने बिल्कुल सीज़न नहीं देखा। जो भी कलर्स के थ्रू इंस्टाग्राम पे क्लिप्स आती हैं वो देख लेती हूँ, जो मिनी एक्सप्लोरर पे क्लिप्स होती हैं वो देख लेती हूँ, तो उसके ही नाते बस मेरा फेवरेट बन जाते हैं कि अच्छा ठीक है, ये मुझे अच्छे लगते हैं। जो इस बार मुझे बिग बॉस में अच्छे लग रहे हैं वो करण और तेजस्वी हैं। ओके सो करण और तेजस्वी की बात करो तो जिस तरह की केमिस्ट्री है आपकी, केमिस्ट्री भी काफी अच्छी थी उस, पीपल कनेक्ट विद दोस टू कपल, सो हाउ डू यू सी इट? हाउ डू आई सी इट, हाउ डू आई सी इट इज़ आई स्टार्टेड लाइकिंग तेजस्वी बिकॉज शी यूज़ टू बिहेव लाइक मी, शी यूज़ टू बी लाइक दैट बचपना, एंड देन आस्किंग करण मैं कैसी लग रही हूँ एंड ऑल दैट, तो उसका करण का भी बताना। तो एज अ कपल भी वो दोनों फिर जैसे जैसे हैं अभी शो में, झगड़ते हैं, लड़ते हैं, खटपट होती है, देन मान जाते हैं, प्यार करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। और आई थिंक मैं जो उस अपने आप को उनसे रिलेट कर पाती हूँ वो ग्लिम्स होती हैं छोटी छोटी सी, जैसे उसका ये पूछ लेना मैं कैसी लग रही हूँ, या रो पड़ना, या अपने दिल की बात बता देना खोल के, तो वैसे वाला। और करण जैसे उसको फिर हैंडल करता है प्यार से, वो वाली चीज़ें हैं जो मुझे कहीं ना कहीं ऐसे थोड़ी सी सिमिलर दिखाई देती हैं। ओके सो टॉकिंग अबाउट लास्ट 3-4 वीक्स में जिस तरह से बहुत कुछ हुआ घर में, मैं पहले टॉपिक की बात करूँ तो उमर रियाज का जो इवेक्शन था काफी चर्चा हो गई, बाहर 17 मिलियन ट्वीट्स आए उमर रियाज इज अ विनर, सो व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस बिहाइंड दैट इवेक्शन? आई थिंक उसका एविक्शन इसलिए हुआ था बिकॉज़ कुछ झगड़ा हुआ था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो भी मुझे कुछ दिन पहले पता चला। पहले मुझे लगा था कि वोटिंग के थ्रू एविक्शन हुआ है। उस घर में झगड़ते सब हैं, उस घर में तोड़ते सब सारी चीज़ें, आई थिंक जब से सीज़न शुरू हुआ था तब से वहाँ पे कांच टूट रहे थे, प्रॉप्स टूट रही थी, सब कुछ टूट ही रहा था। बट दिस आई कुडंट अंडरस्टैंड बिकॉज इट वॉज़ नॉट एट ऑल जस्टिफाइड फॉर द ऑडियंस, इट वॉज़ नॉट एट ऑल जस्टिफाइड फॉर पीपल लाइक अस ऑल्सो, कि जहाँ पे इवन फॉर उमर रियाज ऑल्सो दैट वॉज नॉट जस्टिफाइड। आई एम श्योर कि ये कौन सी बात थी निकालने वाली, क्योंकि वहाँ पे धक्का मुक्की और लड़ाई झगड़े तो इट्स अ कॉमन थिंग। तो एविक्शन का नहीं समझ आया मुझे कि वो क्यों निकालना है, सो ऑल आई कैन से इज इट वॉज नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। ओके सो लास्टली हुम डू यू सी एज अ टॉप 3 एंड एज अ विनर? टॉप 3 में मैं शमिता को, तेजस्वी को और करण को, इन तीनों को देखती हूँ। और एज अ विनर करण और तेजा में से जो भी जीते, एंड ऑल द बेस्ट टू एवरी वन, एक्चुअली आई एम नो वन टू जज एंड डिसाइड कि कौन जीतेगा, लेकिन आई एम जस्ट लिटिल लॉयल टूवर्ड्स दीज टू, तो बस वो है। बाकी मे द बेस्ट मैन और द वुमन विन। थैंक यू सो मच मैम, थैंक कांग्रेचुलेशंस। यू।